Good morning, dear students of class 10. Subject English. Chapter 7. Daddy begins and with chickens. Daddy begins. This is the chapter. सबसे पहले इस चैप्टर से मुझे जो वर्ड्स मिलेंगे आएंगे वो लिख लेना चाहिए हम जो नए वर्ड्स हैं वर्ड्स एंड मीनिंग जो आपके बुक में भी मेंशन है Continue talking. Canisters. Canisters. Cans are there. Small round metal container. Small round metal container. Thank you.
Splatter, fell down and splashed wrong. So these are the words in English, students. Now be ready to. आज मैं आपको कुछ इस चैप्टर को बता देता हूँ. पार्ट वन है इस चैप्टर का. तो देखिए, रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डैडी डिकेंस एंड मदर डिकेंस हु सेल्डम एग्रीड ऑन द सेम थिंग्स. जो कभी कभी किसी एक चीज पर रेडी होते थे, एग्री होते थे, राइट. अदरवाइज दे पेरेंट्स दे जो है कि हमेशा एक दूसरे पर लॉजिक यूज करते थे. तो डैडी डिकेंस एंड हिज चिकन्स, दिस इज ए स्टोरी अबाउट डिकेंस, डैडी डिकेंस और उनकी चिकन्स जो चूचे वो पाले हुए थे उनके बारे में. तो लेट्स स्टार्ट. इवन टू डैडी एंड मदर डिकेंस हैड बीन मैरिड फॉर ए लॉन्ग टाइम. लॉन्ग लॉन्ग टाइम. यद्यपि डैडी और मदर डिकेंस, डैडी डिकेंस और मदर डिकेंस की शादी हुए बहुत बहुत समय हो गए थे. दे वर नॉट एट ऑल अलाइक. वे दोनों किसी भी तरह एक जैसे नहीं थे. डैडी डिकेंस वॉज स्ट्रेट एंड थिन एज पेंसिल लाइन. डैडी डिकेंस एकदम सीधे और एकदम पेंसिल लाइन की तरह पतले थे. मदर वॉज स्क्वैट राउंड एज टी पॉट. और जो मदर डिकेंस थी वह स्क्वैट मतलब शॉर्ट और हैवी, छोटी और भारी, एकदम टी पॉट की तरह थे. किसकी तरह? एज ए टी पॉट, जैसे टी का पॉट होता है उसकी तरह थे, चायदानी जिसको बोलते हैं. तो डैडी हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड. डैडी के पास लंबा और सफेद बियर्ड था. मदर ऑफ कोर्स डिड नॉट, मदर के पास नहीं था, राइट. वंस अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ ये फर्स्ट पैराग्राफ. स्टूडेंट आई होप यू माइंड. इवन थ्रू डैडी एंड मदर डिकेंस हैड बीन मैरिड फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम. यद्यपि डैडी और मदर डिकेंस का शादी हुए, विवाह हुए बहुत बहुत समय हो चुका था. दे वर नॉट एट ऑल अलाइक. वे कभी भी हमेशा एक जैसे नहीं थे. डैडी डिकेंस वॉज स्ट्रेट और थिन एज ए पेंसिल लाइन. डैडी डिकेंस सीधा एकदम पेंसिल लाइन की तरह पतले थे. मदर वॉज स्क्वैट राउंड एज टी पॉट. और मदर जो डिकेंस थी वह एकदम स्क्वैट मतलब छोटी और भारी, राउंड एज ए टी पॉट, एकदम टी पॉट मतलब चायदानी की तरह मतलब मोटी थी. डैडी हैड ए लॉन्ग बियर्ड वाइट बियर्ड. डैडी के पास, डैडी डिकेंस के पास लंबी सफेद बियर्ड मतलब दाढ़ी, बियर्ड मतलब दाढ़ी थी. मदर ऑफ कोर्स डिड नॉट, मदर के पास नहीं होते क्योंकि उनके वुमेन्स के पास बियर्ड नहीं होते. डैडी डिकेंस वॉज स्लो टू बिगन एनी वर्क. डैडी डिकेंस किसी भी कार्य को करने में बहुत शुरू करने में बहुत धीमे थे. बट मदर वॉज एज क्विक एंड ब्रिस्क एज विंड. लेकिन मदर बहुत तेज और एकदम फुर्तीली थी, एकदम हवा की तरह. सी हैड वेल्डेड हर ब्रूम. उसने अपने ब्रूम को जोड़ा, वेल्ड मतलब जोड़ना. एंड एटिक टू सेलर, और जो एटिक थी वहां पे भी जोड़ा. इवन बिफोर डैडी हैज हिज सॉक्स ऑन इन द मॉर्निंग. और यद्यपि इसके पहले डैडी हैड हिज सॉक्स, डैडी के पास उनके सॉक्स थे सुबह में. Sometimes these differences create problem. कभी कभी ये जो अंतर होते थे
वे समस्या उत्पन्न करते थे। दैदी मदर माइट आस्क डिड यू गेट दैट लीफ द इन द रूफ फिक्स्ड एट डिड यू गेट क्या तुम्हें मिला दैट लीक इन द रूफ फिक्स्ड एट जो लीक था रूफ में क्या वह तुम्हें मिला और उसको फिक्स किए। डैडी कुड स्ट्रोक हिज बियर्ड डैडी ने अपने स्ट्रोक किया बियर्ड पे। व्हाई नो मदर मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नॉट बट आई विल बी गेटिंग टू इट राइट सून आई एम नियरली सर्टेन। हाँ वह कहते हैं क्यों नहीं मदर डिकेंस मैटर फैक्ट्स आई हैव नॉट बट आई विल बी गेटिंग टू इट राइट नाउ राइट सून मैं इसे शीघ्र ही ढूंढ रहा हूँ। आई एम नियरली सर्टेन वह बहुत ही उसके पास हूँ। और डैडी हैव यू मेंटेड द हैंडल ऑन द बकेट लाइक आई आस्क्ड और वो फिर दोबारा मदर डिकेंस पूछते हैं कि डैडी क्या आपने रिपेयर कर दिया है हैंडल बकेट के जो हैंडल थे आपने उसको रिपेयर कर दिया है जिसको जिसके लिए मैंने कहा था। आई थॉट आई माइट बी नीडिंग इट टू पुट अंडर दैट लीकी रूफ नाउ मदर आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग दैट लास्ट ट्यूजडे मदर कहती है मैं मदर अब मैं उसको लास्ट ट्यूजडे यानी पिछले मंगलवार से मैं उसके करने का सोच रहा हूँ बट इट लुक लाइक रेन लेकिन एकदम वह बरसात की तरह दिखती है। आई थॉट आई विल बी नीडिंग इट टू पुट अंडर द लीकी रूफ हम वाज ऑल मदर से मदर ने उनके जो एक्सक्यूजेस डैडी डिकेंस ने बनाया उस पर हम एक नाराजगी जताते हुए हम वाला शब्द जो है उन्होंने यूज किया। एंड डियर स्टूडेंट टुडे फॉर दिस एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच गुड डे।